दोस्तों जय हिंद। रॉयल सोल्जर फैमिली के सभी सदस्यों से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे इस जवान को भी इंसाफ दिलाएं, वायरल करें, तो हद होती जा रही है इंसानियत की। फ्रस्ट्रेटेड हूं। मेरे माँ बाप रेनू सागर कोलगेट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में रहते हैं। मैं अनपरा थाना रेनू सागर चौकी से 2 साल से परेशान हूँ। इस वजह से मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ। 2 साल पहले मैं जब घर बनवाने की कोशिश किया तो रेनू सागर चौकी इंचार्ज राजेश मौर्याने ने 25,000 रुपये का डिमांड किया। तब मेरे पापा ने सिपाही बब्बन को 5,000 रुपया दे दिया, फिर भी ये लोग परेशान करते रहे। मेरे घर में सिपाही गोरखनाथ यादव रात को 3 बार छापा मारे हैं बिना वजह के। जो जवान माइनर डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन बॉर्डर पे रात को ड्यूटी दे रहा है, उसके माँ बाप खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। बिना वजह के मेरे पापा को सिपाही गोरखनाथ यादव ने अनपरा थाने में 4 दिन तक रखा, बिना खाए बिना पिए। किस सजा में खाना पानी नहीं मिलता है। मेरे माँ को कैंसर हुआ है, इसके बाद भी वो 4 दिन तक अनपरा थाने में गई और अनपरा थाने के एसओ ने वहाँ से भगा दिया। मेरे पापा 2 दिसंबर को रिम सागर पावर प्लांट से गिर गए। गिरने की वजह से उनकी पैर की चक्री और पजरी की 5 हड्डियाँ टूट गई। माँ दवा भी लेके गई पापा का, फिर भी अनपरा एसओ ने देने से मना कर दिया। इसी से वो लोग डर के गांव चले गए और रेनू सागर का घर छोड़ दिए। 28 अप्रैल को हमारे घर में चोरी हो जाती है। 29 अप्रैल को रेनू सागर चौकी इंचार्ज को बताया, उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में उसे पता है कि कोई दूर का चोर पूरा घर खाली नहीं कर सकता, बगल का ही होगा जो कि टप्पू विश्वकर्मा है। और टप्पू विश्वकर्मा के पास सिपाही गोरखनाथ अपने पूरे टीम के साथ वहां पे बैठते उठते हैं, दारू खाते पीते हैं। इसके साथ वो चोरों का सरगना है, जितनी चोरी होती है सबका कमीशन गोरख यादव का देते हैं। मेरी FIR 5 मई तक नहीं लिखा गया तो मैंने SP साहब को सारी बातें बताई और एप्लीकेशन भेजा। 6 मई को मैंने IG को पास फोन किया, बात किया और एप्लीकेशन भेजा। 7 मई DGP को से बात किया और एप्लीकेशन भेजा, तब जाके FIR लिखा गया। FIR तो लिख लिया गया।